नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं एवन टीवी का खास कार्यक्रम मुद्दा है। अगर मुद्दा अगर मैं बात करेंगे हम संकट में कांग्रेस, गोवा हो या कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, महाराष्ट्र हो या फिर मध्य प्रदेश या राजस्थान, कांग्रेस पार्टी में संकट है। इस समय सबसे बड़ा संकट कर्नाटक में है, जहाँ जेडीएस और कांग्रेस की गठबंधन सरकार कभी भी गिर सकती है। गोवा के 10 विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया है और सभी जगह से कांग्रेस के विधायकों में, नेताओं में, पदाधिकारियों में, कार्यकर्ताओं में कहीं न कहीं जो है पार्टी छोड़ने की एक होड़ सी मची हुई है। पार्टी टूट के कगार पर है। जब से राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया उसके बाद से पदाधिकारी भी इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह विधायक लगातार एक के बाद एक पार्टी छोड़ रहे हैं, उससे कांग्रेस पार्टी संकट में नजर आ रही है। संकट में कांग्रेस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है लक्ष्मीकांत पारिक जी, हैं भाजपा नेता हैं। लक्ष्मी जी, बहुत बहुत स्वागत है। पीसी भंडारी साहब, आप पार्टी नेता हैं, भंडारी जी आपका भी स्वागत है। भंडारी जी, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जिस तरह से जेडीएस और कांग्रेस की गठबंधन सरकार कर्नाटक में गिरने जा रही है, टूटने जा रही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, 15-15 विधायक एक साथ छोड़कर पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी मिल रहे हैं। गोवा में 10 विधायकों ने एक साथ कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, आपको क्या लगता है वाकई में इस समय कांग्रेस वाकई में कहीं कहीं खतरे की घंटी है, कांग्रेस पार्टी पे संकट में है कांग्रेस पार्टी? नीरज जी, ये कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी नहीं, ये देश के लिए खतरे की घंटी है। जितना 5 साल में गिरावट आई राजनीति के अंदर, पिछले 5 साल में हमने कभी ऐसी गिरावट कभी देखी नहीं। आप ये भाजपा जिसको कहा था सिद्धांतवादी पार्टी, हम प्रिंसिपल एक अलग पार्टी जिसको कहते थे, सबसे मतलब अगर वो काम जो कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ भाजपा मॉडल हो तो छोड़ के आ रहे हैं, इनको नहीं लेना चाहिए ताकि ऐसे लोगों को सबक मिले। लेकिन क्या है, खरीद फरोख्त हो रही है। अब वो MLA देख रहे हैं, वहाँ बैठे बैठे क्या करूँगा, भाजपा ज्वाइन कर लूँगा, कोई मंत्री बन जाऊँगा, पैसे कमा लूँगा। एकमात्र काम रह गया है पैसे कमाओ, इससे सत्ता में आ जाते हैं। देश की सेवा कोई करना नहीं चाहता है। आप देखिए फिल्म स्टार, नाचने वाले, इनको पार्टी में भरते आ रहे हैं। वो अभी सपना चौधरी है, उसको पार्टी में ले लिया, कभी किसको पार्टी में ले लिया। यानी भाजपा क्या कर रही है मुझे समझ आया। जो मोदी जी कहते हैं ना कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो मुझे लगता है भाजपा मुक्त भारत हो रही है। कि वोट भी उन्होंने मांगे थे, मोदी के नाम पे वोट मांगे थे, अब कांग्रेस वाले भाजपा में चलते आएंगे तो क्या रहेगा, कांग्रेस का नाम बदल के भाजपा हो जाएगा, खत्म हो जाती है। ये इस देश के लिए, प्रदेश के लिए घातक है। मैं तो कहना चाहता हूँ भाजपा के मेरे साथी बैठे हुए हैं, मोदी जी तक हमारी अगर बात पहुँच रही है, तो मोदी जी ऐसे लोगों को जो छोड़ के आ रहे हैं बिल्कुल पार्टी में नहीं लेना चाहिए। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ संसद में कानून आना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति किसी पार्टी छोड़ के कोई दूसरी ज्वाइन करता है तो चुनाव लड़ के आए, रिजाइन करे, चुनाव लड़के फिर आ जाए, तो देखिए राजनीति में स्वच्छता आएगी। नहीं तो जो गंदगी आती है राजनीति में आ रही है, ये देश के लिए और प्रदेश के लिए बहुत घातक हो रही है। 10 आदमी टूट करके जा रहे हैं गोवा के अंदर, पहले 2 में सरकार बना ली उन्होंने, इसका मतलब चाहे कुछ भी कर लो, मतलब ये खरीद चल रही है। अब कर्नाटक से जाकर के बॉम्बे महाराष्ट्र के अंदर जाकर रुके हैं होटल के अंदर, और एक कांग्रेस MLA मिलना चाह रहा है, उसको आप मिलने नहीं दे रहे हो आप। अरे देश को कहाँ ले आ रहे हो ये आप, सिर्फ सत्ता और पैसा का कोई काम ही नहीं किया, जनता की सेवा करना तो भूल गए। कैसे सत्ता में आ जाए, सिर्फ कैसे सत्ता और पैसा, इसके अलावा कोई काम ही नहीं है क्या? कहाँ गई सुचिता? भारतीय जनता पार्टी को सिद्धांतवादी पार्टी माना जाता है, और आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए लालायित है और ऐसे में वो कांग्रेस पार्टी छोड़ छोड़ कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं, उनको साथ में लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने को लालायित हो रही है, क्या लगता है लक्ष्मीकांत जी? कभी जनसंघ की लोग इज्जत करते थे पार्टी, लक्ष्मीकांत जी को बोलने। देखिए भारतीय जनता पार्टी सत्ता की लोलुपता की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी देशहित की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्थिति में, आज कर्नाटक की स्थिति, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने के बाद भी हमने वहां पर सरकार नहीं बनाई, कांग्रेस और जेडीएस बनाने की कोशिश की, बन नहीं पाई। लक्ष्मीकांत जी, यदि भंडारी साहब को कुछ और कुछ कहना हो तो कह ले प्लीज। नहीं, कुछ कहना हो तो आप, नहीं नहीं नाराज नहीं हो रहा, आप बोल रहे साथी हो मेरे मित्र हो आप। भारतीय जनता पार्टी को कहीं भी सरकार बनाने की आवश्यकता नहीं, कर्नाटक जोक तो आप दोनों में चलेगी। कर्नाटक की यदि बात होती तो कर्नाटक में सरकार उस समय बना चुके होते जब कर्नाटक में JDS और कांग्रेस की सरकार वहां पर बनी थी, लेकिन सबसे बड़ा राजनीतिक दल होने के बाद भी हमने सरकार नहीं बनी और नहीं बनाई।
उसके बाद आप गोवा की बात करें, गोवा में सरकार चल रही थी, हमें विधायकों की कहीं आवश्यकता भी नहीं थी। उसके बाद कांग्रेस के अंदर राजनीतिक रूप से रिक्तता हुई कुछ समय से, जब लोकसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हताशा और निराशा भाव में चले गए और जाने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और 40 दिन से आज कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व संकटग्रस्त हो चुका है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा ये भी तय नहीं हो पा रहा है कि गांधी परिवार के मोह जाल से बाहर निकल पाएंगे, अन्य किसी अध्यक्ष बना पाएंगे, ये भी सिलसिला है। राहुल गांधी जी के इस्तीफे के बाद कांग्रेस में लगातार इस्तीफों के दौर चल पड़ा, चाहे महाराष्ट्र के अध्यक्ष हों, ज्योतिराज सिंधिया साहब हों, अन्य अन्य घटकों के नेताओं ने सबने इस्तीफा दिया। उसी क्रम में कर्नाटक के कुछ विधायकों ने व गोवा के कुछ विधायकों ने कांग्रेस छोड़ी। आज स्थिति नीरज जी ये है कि हर व्यक्ति अपने राजनीतिक जीवन की तलाश कर रहा है। उस राजनीतिक जीवन की तलाश में वह कांग्रेस में था, उसको लगता है कि कांग्रेस खत्म होने का कगार पर है, वह अपने राजनीतिक जीवन को आगे बढ़ाना चाहता है, तो उसको एक अन्य दल विकल्प के रूप दिखता है भारतीय जनता पार्टी को। और निश्चित रूप से आज विश्व का सबसे बड़ा दल है भारतीय जनता पार्टी, हिंदुस्तान भर के अंदर सब सभी राज्य बहुत बड़े राज्यों में शासन और केंद्र में नेतृत्व है, और केंद्र में एक सशक्त नेतृत्व माननीय मोदी जी का और अमित शाह जी का मिला हुआ है, तो लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अच्छे राजनीतिक विकल्प मिल सकते हैं, इस कारण भारतीय जनता पार्टी को आकर्षित होकर भी लोग आ रहे हैं। अब आज आप बात कर रहे हैं इसकी विषय की बात कर रहे थे, मैं कुछ भंडारी साहब बहुत सीनियर नेता हैं, पंडा जी गुजरात के अंदर बघेला जी के समय कुछ कांड हुआ, अन्य अन्य कांडों की याद दिलाऊं, और मैं राजस्थान की बात करूं तो मैं 67 के गोलीकांड की बात भी कर सकता हूं, और कल राजस्थान के मुख्यमंत्री का वक्तव्य आपको याद दिला दूं कि मैं ही हूं मुख्यमंत्री, ये बार बार कह देना, एक मिनट प्लीज सुन ले, खूब जवाब देना आराम से। कल राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय गहलोत साहब का बयान आया था, मैं ही हूं मुख्यमंत्री। परसों नीरज जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जो ज्यादातर प्रेस कॉन्फ्रेंस बजट के बाद ही होती है, बजट के बारे में समीक्षा का होती है, लेकिन वो कहा कि राजस्थान की जनता मुझे चाहती थी मुख्यमंत्री पद पे देखना, ये कहीं ना कहीं संकेत देता है कि राजस्थान में भी कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है। उसके साथ ही सचिन पायलट का बयान कि नहीं नहीं ये तो राहुल गांधी के कारण हम चुनाव जीते, उनकी मेहनत थी, कार्यकर्ताओं की मेहनत थी, किसी एक व्यक्ति विशेष के कारण नहीं जीते। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी का दोष है, यहाँ के दो नेता लड़ रहे अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए, राजस्थान की स्थिति आज बद से बदतर है, कानून व्यवस्था स्थिति गंभीर है, किसानों की स्थिति गंभीर है, युवाओं की स्थिति गंभीर है, अब मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री लड़ने से फुर्सत नहीं है, तो कहाँ भारतीय जनता पार्टी का दोष है? बहुत बड़ी बात भंडारी जी ने कही कि कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पार्टी में हताशा और निराशा की भावना कार्यकर्ताओं में भी आ गई है। जिस तरह लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार हुई है, उसके बाद राहुल गांधी ने जिस तरह इस्तीफा दिया, 40 दिन से आज अध्यक्ष नहीं है, तो विधायकों को भी लगता है कि कहीं ना कहीं सुरक्षित भविष्य ढूंढा जाए, और हो सकता है सुरक्षित भविष्य की तलाश में ही कर्नाटक में भी विधायकों ने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ दिया है। गोवा में भी हालात यही है, क्योंकि गोवा में पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ आवश्यकता नहीं थी कि वहाँ पर कांग्रेस का सपोर्ट लिया जाए, लेकिन फिर भी विधायकों को लग रहा है कि आने वाले समय में फिर भारतीय जनता पार्टी का भविष्य अच्छा है। आपको लगता है ऐसा कुछ है? देखिए मैं इनकी बात जवाब दूँ, हाँ राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया, मैं बिल्कुल सही मानता हूँ, एक व्यक्ति ने देख लिया इतना नहीं हो रहा है, हार स्वीकार इस्तीफा दिया, बहुत अच्छी बात है, नौटंकी तो नहीं करी ना कि जाकर वापस मैं ले लेता हूँ, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात कह रहे हैं कि 40 दिन हो गए वहाँ अध्यक्ष नहीं बना, अरे आपके राजस्थान के अंदर परनामी ने जब हटाया था परनामी को 2.5 महीने तक आपके बन नहीं पाए थे, अभी आपके अध्यक्ष डेथ हो गई आपके नहीं बन पा रहे, तो ये दूसरे बात में मत झको, खुद के देख लो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये आप 67 की बात कर रहे थे तो 67 में कोई पार्टी छोड़ के कोई नहीं आए थे, वो जो आए थे निर्दलीय जीत के आए थे वो आ गए थे। ये तो सवाल ये सवाल की सड़क उसको भूली नहीं बट नहीं, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ साल की बात है, हम तो समझते ही उस बात को, आप चाहे तो आपने देखा भी होगा, हां मैंने देखा है, चलते राज के लिए गोली चलते पहले मालूम है देखी, और राज के लिए राजस्थान की सड़कों पर जलते ट्रक और रुकते रस्ते यदि किसी ने देखे 2018 में देखे, जब माननीय सचिन पायलट जी ने स्थान स्थान पर सड़कें रुकवा कर अपने समर्थक थे, उनके द्वारा खुद को मुख्यमंत्री। छोटे से ब्रेक के बाद भंडारी जी ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। बात कर रहे थे संकट में कांग्रेस, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में कर्नाटक से लेकर गोवा, गोवा से लेकर तेलंगाना, तेलंगाना से लेकर जैसा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सभी जगह इस समय कांग्रेस पार्टी में कहीं न कहीं संकट की स्थिति बनी हुई है, लेकिन फिलहाल जो मौजूदा संकट है वो गोवा और कर्नाटक में है। पारिक जी कह रहे हैं कि ये लोग खुद पार्टी छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी में समय हताशा का माहौल है। कोई पार्टी छोड़ के जाता नहीं है, जब तक लाभ नहीं मिलता है ना, नेता हैं करोड़ करोड़ रुपये देकर टिकट लाएंगे खर्च करके जीत के आए, वो उनका ऐसा नहीं बिना चले जाएं, वो सब जानते हैं, वो कर्नाटक जानते हैं कि वहाँ जाएंगे मंत्री पद मिलेगा, और आपको बता दूंगा आप देख लेना जितने लोग जाएंगे उनको क्या क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। 25 करोड़ मिलेगा, मंत्री पद की बात कही जा रही है, पक्का मिलेगा, कोई डिप्टी सीएम बन जाएगा, कोई क्या बन जाएगा, दो बनाते हैं डिप्टी सीएम, ये सारी ऐसा है। पिछले 5-7 साल में जितनी गिरावट खरीद फोक्त हुई ना, उससे पहले कमी होती थी,
और बड़ी बेशर्मी की बात है, आकर के खुश होते हैं वो। उस टाइम जहाँ ने गडकरी जाके बोले मैं जल्दी पहुंच गया, मैं बढ़ा दी, दो इंतजार नहीं किया। अरे खरीद फरोख्त करके आप क्या कर रहे हो, देश को क्यों बर्बाद कर रहे हो आप? मैं काम कर दिया, मैं कह रहा हूँ, मैंने जो टीवी में देखा है वो बोले रात रात पहुंच गया। एवन इस बात को मानता है, देखिए एवन क्या इस बात की पुष्टि करता है? मैं अगली बार की बात करता हूँ, मैं लक्ष्मीकांत जी ने तो आपके आरोप की पुष्टि करता है क्या? देखिए लक्ष्मीकांत जी ने तो मैं आपके आरोप की पुष्टि कर रहा हूँ ना, भंडारी जी एवन पर कई जगह चर्चा हो रही है। लक्ष्मीकांत जी मेरी सुनिए, अभी जो हालात चल रहे हैं आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं दोषी तो है? कौन पार्टियां दोषी तो है? जो जो इस तरह के बढ़ावा दे रहे हैं, उनसे अपना घर नहीं बन रहा बनाने के लिए, सरकार बनाने के लिए, सरकार बनाने के लिए विधायकों को लोग कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी छोड़नी पड़े तो इसमें भाजपा का दोष क्या है? आम आदमी पार्टी दिल्ली में, आम आदमी पार्टी छोड़ के जाते हैं, हमारी गलती क्या है? आप अगर ऑफर नहीं मिलेगा लक्ष्मीकांत जी, ऑफर नहीं मिलेगा तो कौन कहाँ जाएगा मुझे बताइए? गोपाल राय ने क्यों छोड़ी? हमने तो ऑफर दी, गारंटी है, हमने तो ऑफर दी गोपाल राय को, गोपाल प्रशांत भूषण को, हमने तो नहीं ऑफर नहीं दिया, क्यों छोड़ा? क्यों छोड़ा? क्यों छोड़ा उन्होंने? योगेंद्र यादव ने, सॉरी योगेंद्र यादव जी ने, अरे क्यों छोड़ी? क्यों छोड़ी प्रशांत भूषण क्यों छोड़ी? अरे मैं लग रहा है ये जो है ना कर्नाटक में सरकार बनाने का खेल चल रहा है, आपसे संभलते नहीं अपने घर। लक्ष्मीकांत जी लक्ष्मीकांत जी हम पर भंडारी जी, भंडारी जी लक्ष्मीकांत जी, लगता है जिस तरह कर्नाटक में चल रहा है पूरा, भंडारी जी पश्चिम बंगाल छोड़ेंगे, भंडारी जी भंडारी भंडारी जी की इच्छा जिस तरह का कर्नाटक में खेल चल रहा है आपको लगता है जिस तरह का कर्नाटक में खेल चल रहा है सरकार बनाने के लिए खेल चल रहा है सारा? मैं आम आदमी पार्टी में हूँ, आपको निकाल दिया था, आपको लक्ष्मीकांत जी, लक्ष्मीकांत जी आपको निकाल दिया था, लक्ष्मीकांत जी भंडारी कोई निकाल दिया, कोई देखिए पार्टियों में निकालना और पार्टियों में शामिल होने का खेल तो चलता रहेगा। लक्ष्मीकांत जी बात यह है कि कर्नाटक में सारा खेल सत्ता के लिए नहीं हो रहा क्या, ये बताइए आप तो पहले। तो देखिए कर्नाटक का सपोर्ट खेल कांग्रेस की दूरी पर हो रहा है, कांग्रेस के विधायकों की दूरी पर हो रहा है, कांग्रेस और जेडीएस की वहाँ पर जो बन नहीं रही, विधायकों से मुख्यमंत्री का सीधा सीधा संवाद नहीं है, वहाँ पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और वहाँ के जो नेता सीतारामैया है उनके बीच के डिफ्रेंसेस को इसी कारण और सीतारामैया की अति महत्वाकांक्षा की बलिविधि पर वहाँ की सरकार चल रही है। अब कोई हिंदुस्तान मिलने के लिए आप बताइए जो कांग्रेस एमएलए गया क्यों रोका आपने उसको, संविधान के कौन से उसके तहत रोक लिया मुझे बताइए आप? एक व्यक्ति होटल मिलने आ रहे उसका होटल नहीं कुछ दे रहा आप? बिल्कुल ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं पारिक साहब, पारिक जी कहीं ना कहीं ये जो कह रहे हैं ये सवाल तो वाजिब है कि आखिरकार ऐसा क्यों कि कांग्रेस के एमएलए उनसे मिलने जा रहा है, बगावत की उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, कोई बात नहीं मिलने का अवसर तो देंगे, बंद करा देंगे आप? आपकी बात पर जवाब देता हूँ, पहले बंडा जी बात का जवाब दे दो। हिंदुस्तानी कानून में कहीं परिधि में लिखा हुआ नहीं कि राजस्थान का व्यक्ति कश्मीर जाकर नहीं रह सकता या रुक नहीं सकता या पर्यटन नहीं कर सकता। एक बार सुन ले, बंडा जी सुन ले, मैं आपको बड़े धैर्य के साथ सुना है, लेकिन मुझे रोके 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 आप कहीं मिलने से सुनने, मैं आपकी बात का जवाब पूछ लिया उसका जवाब दे रहे हैं, दे रहा हूँ आपकी बात का जवाब। तो कश्मीर लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक और भारत का हर नागरिक और अधिकार है कि कहीं भी किसी राज्य की राजधानी व किसी राज्य गांव पर जाकर रह सकता है, अपना पर्यटन कर सकता है, रुक सकता है। पहली बात तो कर्नाटक के विधायक जाकर महाराष्ट्र में जाकर रुके तो मुझे लगता है कि भारत के नागरिक, भारत के नागरिक को हिंदुस्तान में कहीं भी रुके। अब आपकी दूसरी बात जवाब, यदि मैं नहीं चाहता भंडारी से मिलना, यदि मैं भंडारी से मिलना नहीं चाहता मुझे कौन भंडारी से मिलने, मेरी इच्छा है मैं भंडारी विधायक नहीं मानते, विधायक नहीं मिलना चाहते वहां पर, जबरदस्ती घुसना चाहते हैं, आप तो ऊपर बैठे हो क्यों भाजपा के ऊपर बैठे हैं, कहीं कोई नहीं मिला तो बात नहीं किया तो कहीं तो गड़बड़ चल रही है, एक पत्ती भी चल रहा है, नहीं मिल सकती लक्ष्मीकांत जी, कहीं ना कहीं रोक सकते हैं, देखिए कहीं ना कहीं सरकार बनाने का खेल तो कहीं ना कहीं चल रहा है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी लग रहा है कि सबसे ज्यादा विधायक उनके हैं और कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ एमपी में ही चल रहा है तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। और देखो राजनीति में कोई साधु संन्यासी बनने नहीं आया, सबसे बड़ी बात भंडारी जी चाहे पार्टियां कोई भी रही हो, लेकिन ये नहीं गलत बात है जी, राज सिद्धांत होने चाहिए, जो पहले जनसंघ मुझे लगता है आप बताऊं जी बिल्कुल, जनसंघ थी हम भी इज्जत करते थे, प्रिंसिपल चलती बात ये, लेकिन जब से भाजपा बनी है और पिछले 5 साल से जब से ये आए हैं
तड़ी पार जो अमित शाह जी कोई भाषा का उपयोग करें, गलत बात कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भ्रष्ट लोगों की पार्टी है। मैं कहता हूँ अन्ना हजारे को आप लोगों ने कट करने में खड़ा करना चाहिए, विश्वासघात कर तड़ी पार नहीं है, पार्टी बनाई तड़ी पार नहीं है, तड़ी पार कैसे देखिए तड़ी पार थे वो, मैं क्या तड़ी पार थे, हो सकता है, हो सकता है। देखिए भंडारी जी, देखिए बिल्कुल आपकी निंदा हमने बिल्कुल दर्शकों को दिखाई है, क्योंकि आपको भंडारी जी उन पे भी आप देते अधिवक्ता है, किसी तरह का व्यक्तिगत टिप्पणी मंत्री वाले क्या बोल रहे हैं, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप मंत्री है, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाए, कुटाघर में चर्चा जारी रहेगी। लेकिन मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। हम बात कर रहे थे संकट में कांग्रेस, बनर्जी क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह पूरे देश में माहौल चल रहा है, आखिरकार कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? अपन सारा दोष अगर भारतीय जनता पार्टी को दें तो ये भी गलत है, क्योंकि जब आप पार्टी छूटना ही नहीं चाहते तो कुछ जबरन तो आपको किसी ने उठाया नहीं है, आपका अपहरण तो किसी ने किया नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं शुचिता तो राजनीति में होनी चाहिए। देखिए जब आप लालच देते हो ना, अब ये क्या है कि मैंने आपको बताया पिछले 5-7 साल में बदल गया ये, जब जहाँ 2 MLA हो वहाँ जाकर सरकार बनाते हो, जैसे क्या मतलब है? आप जब आप लालच देते हो, अब आज हर MLA समझ गया कि मुझे कुछ चाहिए, अब उसे लग रहा है कांग्रेस से कुछ मिलने वाला नहीं है, यहाँ मुझे मंत्री बनाया नहीं है, वहाँ जाओ मंत्री बना देंगे, तो भागते हैं। प्रोटेक्शन आप देते हो, अगर महाराष्ट्र में प्रोटेक्शन नहीं देते, दूसरे को मिलना चाहते तो मिलने देते क्या? मतलब एक MLA को प्रोटेक्शन चाहिए, मुझे बड़ा आश्चर्य बात हो रही है। इस देश के अंदर क्या प्रतिनिधि हैं हमारे? वो जनता के प्रतिनिधि हैं और खुद प्रोटेक्शन चाह रहे हैं। ये जो गलत करता है वो डरता ही है, क्या दिक्कत है उनको, वहाँ रहता है आराम से, उनकी अगर इच्छा नहीं है तो ना रहे। लक्ष्मण जी बिल्कुल जिस तरह का चल रहा है माहौल, आपको क्या लगता है वाकई में अगर उनको प्रोत्साहन नहीं मिले, एक सामान्य विधायक है उसको जब मंत्री बनने का ऑफर मिलता है, उनको लगता है चुनाव में से 20-10 करोड़ खर्च किया है, वो पैसा भी उसको मिलेगा, तो वो कहीं ना कहीं पार्टी बदलता है। मैं बात ये नहीं कर रहा कि आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के विधायकों को ला रही है या दूसरी पार्टी विधायक ला रही है, जब कांग्रेस सत्ता में होती है तो वो भी इस तरह का व्यवहार करती है, लेकिन क्या ये ठीक बात है? इससे पहले भी MLA की खरीद लोग चली है, पार्टियां की पार्टियां बदल दी गई है। जी बिल्कुल लक्ष्मण जी, पंजाब की बात करता हूँ, पंजाब में कांग्रेस सरकार है, भाजपा सत्ता में नहीं है, वहाँ के आम आदमी पार्टी विधायकों ने सत्ता क्यों पार्टी क्यों छोड़ी, बड़ा प्रश्न है, कौन सा लालच था उनके पास, क्यों छोड़ी, किन नीतियों से छोड़ी, आखिर बताएं कांग्रेस के आम आदमी पार्टी प्रवक्ता बैठे, कांग्रेस भाजपा की तो बात कर रहे हैं आप, निश्चित रूप करनी भी चाहिए। आप आम आदमी पार्टी जो कुछ समय पहले गठित हुई पार्टी है, सबसे ज़्यादा टूटन ये किसी पार्टी में इस देश में हुई है, सबसे कम समय में हुई है, तो आम आदमी पार्टी है, उसके प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं। क्यों? अरे दिल्ली में 67 MLA एक तो आप छोड़ लिए भाई, कौन से हमारे जुड़ गए MLA? आपके बड़े बड़े नेता माननीय प्रशांत भूषण जी, तो आपके चले छोड़ गए, योगेंद्र जी आपके सचिव से चला गया, आपके कुमार विश्वास से चला गया, आपके कुमार विश्वास, ये ऐसा लगता है स्वार्थ की राजनीति हो गई है, ये बिल्कुल मैं बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, जब लालच मिलता है ना, फायदा मिलता है ना, आपके विधायक लालची हमारे, तो हमारे तो एक भी नहीं गए दिल्ली से, लालची है ना दिल्ली में, कोई नहीं गया हमारे यहाँ, विधायक लालची है दिल्ली में, कहाँ गए? कपिल मिश्रा लालची है दिल्ली में, आप क्या बात कर रहे हो? कार्यकर्ता यहाँ इसका लक्ष्मीकांत जी, ऐसा लगता है कि लोगों को राजनीति में फिक्स नाम की कोई चीज नहीं है। लक्ष्मण जी, लक्ष्मण सबसे बड़ी बात यह है, ये पश्चिम बंगाल में आप तोड़ लिया, राजनीति में कोई सिद्धांत नाम की चीज नहीं है, सिद्धांत खत्म कर दिया, मौका मिले जब पार्टी छोड़ दो, पार्टी कोई मायने नहीं रखती। पश्चिम बंगाल का क्या किया, बड़ा विषय जी, कि जिन लोगों को राजनीति में अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा हो, जिस पार्टी की नैया डूबती हुई नजर आ रही है, उस पार्टी के साथ छोड़ने वाले लोग होते हैं इस राजनीति में, उन लोगों ने अपना साथ छोड़ा है। आपको लगता है आपकी भी नैया डूब रही है? आज गोवा की जो विधायक कांग्रेस के साथ साथ, आपको लगता है आपकी भी नैया डूब रही है? मैं आम आदमी पार्टी में, आज भाजपा डूब रही है, डूब रही है, आज भी MLA वहां पर है, देश की जनता ने आम आदमी पार्टी का देखा है, पंजाब की स्थिति जनता से छुपी हुई नहीं है, इनकी स्थिति हरियाणा की स्थिति, पंजाब में हम तो नहीं पार्टी की स्थिति इनकी छुपी हुई, बीच MLA फिर भी दिल्ली की स्थिति वहां छुपी हुई नहीं है, पहले आपकी हालत दिल्ली की कनक कनक से सोगुनी मादकता अधिकार, एक का पगला है, पगला है, मतलब मेरा कहना तात्पर्य सीधे तौर पर दर्शक समझ गए होंगे, बहुत बड़ी गंभीर बात करें आप, बिल्कुल समय बहुत कम है, लोग समझ काम कर रहे हैं, जनता को कुछ लोग कर रही है, कुछ लोगों को इनके बाद नहीं है, होश हो चुके हैं, निकलने वाले, अरे आप तो जाने वालों को सत्ता के नाचे वालों को हो जाएंगे, नाचे वालों को ये है, कूले बात करने वाले नहीं है, ये क्या भाषा है, हंसा ले रहे हो, इतनी अच्छी भाषा है आपकी,
तो लेकिन लेकिन भंडारी जी सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारतीय जो भारत का नागरिक है उसे चुनाव लड़ने का अधिकार है, जो 18 साल का है जनता देख रही है, मताधिकार का अधिकार है, जो 25 वर्ष से ऊपर है उसे चुनाव लड़ने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का मताधिकार का अधिकार है, वो क्यों नहीं इनके पास आदमी नहीं है? भंडारी जी क्या वो आदमी नहीं है जो बात नहीं नहीं जो नाचने वाला है गाने वाला क्या वो आदमी इनके पास नहीं है? व्यक्ति नहीं है, मुझे लगता है कोई भारतीय जनता पार्टी सम्मानित हो वे व्यक्ति नहीं होता, तभी तो आम आदमी पार्टी कोई भी चले जाए वे व्यक्ति होता है। टिकट दिया नहीं है और ममता जी दे दिया क्या देवर है? टिकट दिया नहीं और ममता टिकट दे दिया बुला करके, ये सेवा कर रहे पार्टी की। ईमानदार मैं जानता हूं बात को, रोज आप पार्टी है ईमानदार है, दो महीने पहले आपको निकाल दिया था पार्टी से, आपने पढ़ा पीडीए पर ममता जी ने पार्टी से निकाला, आज बंडा जी पार्टी पर दो महीने टिकट दे दिया बुला करके, कब आ गए पता नहीं, नहीं नहीं टिकट देता करके बंडा जी आपकी पार्टी भगवान ही मालिक है भाई, आपकी पार्टी खत्म हो रही है मेरा एक सवाल है लक्ष्मीकांत जी, क्या सिद्धांतों की कोई वैल्यू नहीं है राजनीति में आज के समय? देखिए बहुत कम समय है, सिद्धांत हर व्यक्ति हर पार्टी हर व्यक्ति के होते हैं, हर देश हर संस्था के होते हैं, सिद्धांतों की बलिविधि पर कभी किसी नहीं चढ़ सकता। ये जो सभी समय करने के लिए बोलता हूँ, जब व्यक्ति की व्यक्तित्व महत्वाकांक्षाएं उसके विचारधारा पर हावी होती है तब तक इस प्रकार घटनाएं घटित होती है। आपको क्या लगता है भंडार जी सिद्धांतों की कोई वैल्यू नहीं रह गई है राजनीति में? देखिए राजनीति है, आप देखिए जिस पार्टी में अच्छे से लोग काम करने वाले बहुत हों, अब आप बुलाकर किसी को नाचने वाला टिकट दे दोगे, किसी को टिकट दे दोगे, बेवकूफी से बात करते हैं, बेहूदी बात करते हैं, आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, पार्टी में तो लाइन है ऐसे लोगों की, हमने कभी नहीं किया था, क्योंकि हर व्यक्ति को कभी नहीं किया, संविधान का अधिकार है चुनाव लड़ने का, मुझे लगता है भंडारी जी पारिक साहब आप दोनों मुद्दा घर में बता रहे हैं, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे भंडारी जी और लक्ष्मीकांत पारिक जी, जिनका कहना था कि राजनीति में सिद्धांत होना जरूरी है, लेकिन राजनीति में कई बार फायदे के लिए राजनीतिक पार्टियां अपने लाभ के लिए भी, और जो विधायक है चाहे एमएलए है चाहे सांसद है चाहे पार्टी के कार्यकर्ता है, कई बार अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए भी पार्टियां छोड़ते हैं, दल बदल करते हैं, हालांकि दल बदल कानून भी है, लेकिन फिर भी सत्ता लोलुपता कहीं ना कहीं ज़्यादा हावी है, सिद्धांतों को तिलांजलि दे दी गई है, और ऐसे में इस समय कांग्रेस पार्टी में भी संकट है, और कहीं ना कहीं ये संकट राहुल गांधी की स्थिति के बाद से ज़्यादा बढ़ गया है। पार्टी में कहीं ना कहीं लोगों में सुरक्षित स्थान की तलाश में लोग जुटे हैं, चाहे वो विधायक हो, एमपी हो, कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, ऐसे में कांग्रेस पार्टी को खुद के लोगों पर एक बार फिर से भरोसा कायम करना होगा, और दूसरे राजनीतिक दलों को भी अपने सिद्धांतों पर थोड़ा कायम रहना होगा, ताकि इस लोकतंत्र की जो व्यवस्था है वो कायम रह सके। अब मुद्दाग्रह में आज के लिए इतना ही, ताज़ातरीन खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV।